हेलो एंड व्हाट्स अप वंडरफुल पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये जो आज की वीडियो है, ये है कि हम अपनी बाइक की घर में सर्विस कैसे कर सकते हैं। तो इंजन ऑयल और इंजन फ्लश कैसे करें अपनी बाइक का। तो अपनी मैं रॉयल इनफील्ड का खुद ही करता हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा और आपको खुद ही करना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद करोगे तो जो इंजन ऑयल का एग्जैक्ट कलर होता है वो ब्लैक नहीं निकलेगा। जब आप उसको डालोगे और चलाओगे तब भी वो कलर जो इंजन ऑयल का अपना कलर होगा वो निकालेगा। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कि इंजन ऑयल कैसे चेंज करते हैं बाइक का और इंजन फ्लश कैसे करते हैं। सिंपल सा प्रोसीजर है, तो इसी के साथ देरी ना करते हैं, हमें वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हमारा जो सबसे पहला काम है वो है इंजन ऑयल फ्लश करना है। तो इंजन ऑयल फ्लश करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए इंजन ऑयल फ्लश, कोई भी आप ले सकते हैं किसी भी कंपनी का, ये लिक्यू मॉलिक है। तो सबसे पहले ये चाहिए, तो उसके बाद इंजन ऑयल फ्लश हो जाएगा। उसके बाद चाहिए है कोई भी इंजन ऑयल, जो ग्रेड आपकी बाइक या गाड़ी का जिसका भी है वो आपने ले लेना है। इसका बुलेट में हमारे डलता है 15W50। तो ये रहा ऑयल फिल्टर, तो ये सब चीज़ें आपके पास पहले होनी चाहिए, ठीक है, तो ही स्टार्ट करना। तो उसके बाद जो खोल, ये रहा जो गैसकेट सिलिकॉन ट्यूब होती है, ये आपके पास होनी चाहिए। 18-19 नंबर की चाबी, तो मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा कौन कौन सा नट इससे खुलता है। 18-19 नंबर की चाबी, 10 नंबर की टी रॉड, ये 8 नंबर की है, ये भी टी रॉड टाइप, और ये ओ रिंग वाली चाबी है 12-13 नंबर की। तो ये रही हमारी चीज़ें जो हमें चाहिए सारी। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इंजन ऑयल फ्लश, उसके बाद जब हम इंजन ऑयल निकालने को देंगे, उसके बाद जो पूरा प्रोसीजर खोलने के बाद स्टार्ट होगा। सबसे पहले खोलने के लिए चाबियाँ जो जो चाहिए मैंने आपको सारी बता दी। तो सबसे पहले इन नट की बात कर लेते हैं, जो ये वाला है इसको लगेगा 8 नंबर का, ये एक छोटा सा फिल्टर होता है, तो ये हमने खोलना है। ये है 18-19 नंबर का नट, हमें ये वाला नट खोलना है। और एक और नट है, वो रहा ये वाला नट, ये 12-13 नट चाबी में से शायद 13 नंबर का है। तो हमें ये तीनों, जो मैंने आपको तीनों नट ये तीनों दिखाए, जैसे अब आपको वीडियो में दिख रहे होंगे, ये तीन नट हैं, जो ये हमें तीनों खोलने हैं। आप सर्विस सेंटर जाते होंगे वो दो खोलते होंगे, पर जो सर्विस मैनुअल के हिसाब से हमें तीनों के तीनों नट खोलने हैं। तो आप पूरे के पूरे तीनों नट खोलना, तो आपको मैं बताता हूँ कौन कौन सी चाबी कहाँ कहाँ लगेगी। तो इंजन ऑयल फ्लश करने से पहले हम लोग अपनी बाइक को थोड़ा सा वार्म कर लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा वार्म करेंगे, थोड़ा इंजन ऑयल इंजन के अंदर घूमने लग जाए थोड़ा। तो अभी आपको बता देता हूँ, थोड़े कोरोना वायरस वाले डेज चल रहे हैं तो बाइक बिल्कुल नहीं चलती है, गर्मी होती है हर टाइम। जैसे बाइक का थोड़ा सा इंजन वार्म हो जाएगा, आपने ये जो इंजन ऑयल का ऊपर वाला ये कवर होता है इसको निकालेंगे, और जो भी हमारे पास, मेरे पास ये लिक्यू मॉली का इंजन फ्लश है, तो मैं अब इसके अंदर ये डाल दूंगा। इंजन ऑयल अंदर, इंजन ऑयल फ्लश पोर करने के बाद अंदर हमने ऊपर से सील इसकी कर दी है बंद। तो अब हम बाइक को लो आरपीएम पे स्टार्ट करके छोड़ देंगे। छोड़ेंगे कितनी देर के लिए? 10 मिनट्स के लिए, ठीक है। आफ्टर 10 मिनट्स, जब इंजन ऑयल और जब अपने इंजन फ्लश डाला हो 10 मिनट्स हो जाएं, तो उसके बाद आपको कंटेनर चाहिए। जैसे मेरी बाइक में रॉयल इनफील्ड में 2.5 लीटर डलता है इंजन ऑयल, तो ये शायद 5 लीटर की बोतल है जो मैंने काटी हुई है, तो आपको उससे ज़्यादा ही चाहिए। तो कम मत लेना, कंटेनर के बाहर गिर जाए ऑयल, तो उससे ज़्यादा की ही लेके। तो अब हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं ऑयल निकालने का, इसको नीचे प्लेस कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अगर पहली बार नट खोल रहे हो तो उसको अनस्क्रू करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो नट अंदर भी टूट सकता है, वो ध्यान रखना। और ये भी फर्स्ट नट है जिसका हम इंजन ऑयल, अभी इंजन ऑयल निकलेगा, ये इस फर्स्ट नट से ही काफ़ी इंजन ऑयल निकल जाता है, तो मत सोचना कि एक खोल दिया तो सारा इंजन ऑयल बाहर आ गया। अभी आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, पूरी डिटेल में वीडियो देखोगे तो आसानी से समझ आएगी, और बिना देखे अटैम्प्ट मत करना ऐसे ही। तो उसके बाद हम
ये वाले नट, इनको खोलने की तैयारी करेंगे। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये नट थोड़े नाजुक होते हैं क्योंकि कंपनी ने पता नहीं इनको थोड़ा सा वो डेलिकेट सा बनाया है, तो वो अगर आप इन पे फालतू का प्रेशर डालोगे तो ये टूट भी जाते हैं। मेरे साथ एक बार हो चुका है, बहुत मुश्किल काम है। तो थोड़ा सा ध्यान से, इतना कोई इशू नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा जब आप टाइट कर रहे होंगे तो ज़्यादा प्रेशर मत डालना, ये टूट जाता है इस पर। तो अब हम इसको खोलते हैं। If you are watching this video, make sure to watch the full video till the end, क्योंकि जो end में मैंने key point बताया हुआ है कि company से service कराना और खुद service कराने में क्या फ़र्क आया, मैंने proof के साथ end में बताया है। तो make sure कि आप ये full video देखें, और अगर आपने ये service करने लगे हो तो एक बार full video देख के फिर try करना start करना, and आपके पास equipment पूरे होने चाहिए। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो मैं आपको बोल रहा था, जो फिल्टर वाला नट होता है, तो ये ऊपर आप इसके स्पाइक्स जैसी देख रहे हो। तो ये क्या करता है, जो हमारे इंजन के जितना भी वेयर एंड टीयर होता है ना, तो उसके जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना, तो ये उसके ऊपर आके जमा हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखो, ये जितना भी है ना, ये है मेटल का सरफेस, ये देखो। तो ये खोलना ज़रूरी है, ये छोटा सा फिल्टर वाला नट होता है, इसको खोलना ज़रूरी है, क्योंकि देखो इसके ऊपर मेटल के जितने भी पार्ट्स हैं इसके ऊपर चिपकते हैं। अभी जैसे आपको लग रहा होगा कि इसका दो नट खोले तो हमने काफ़ी ऑयल निकल चुका है, और हम इसको थोड़ी देर रख भी देते हैं। देखो अब जैसे ड्रॉपलेट निकल रहे हैं, ऑयल निकलना भी बंद हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ मेन रीज़न कि क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि तीनों नट खोलना ज़रूरी है। अब आप देखते जाइए जादू। अब जैसे हम ये अपना तीसरा नट खोलेंगे तो देखो क्या होता है। अब जैसे कि हमने दो नट खोले हैं, कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, अगर आपको भी ऐसे लग रहा होगा कि पीछे से सारा ऑयल ख़त्म हो चुका है। और मेन गलती हम लोग यही करते हैं, हम ये वाला नट नहीं खोलते हैं। अब जब ये वाला नट खुलेगा, आप इसमें से ऑयल देखोगे, आप हैरान हो जाओगे कितना ऑयल इसके बाद निकलता है। तो जो हमारे ऑयल का ज़्यादातर ब्लैक कलर रह जाता है, वो इस वजह से रह जाता है क्योंकि हमने ये वाला नट नहीं खोला होता, और इसमें ज़्यादा नहीं तो 400 ग्राम तक ऑयल बचा हुआ होता। तो अगर आप घर में सर्विस खुद कर रहे हैं या किसी से भी करवा रहे हैं, एटलीस्ट आपको ये नॉलेज तो होगी कि तीनों नट खोलना ज़रूरी है। तीनों में अपने अपने फंक्शन है। ये सारे ऑयल, ये कितना ऑयल है, ये ऑयल ऐसे बच जाता है कंपनी में, वो छोड़ देते हैं ऐसे ऑयल, इसकी वजह से पूरा ब्लैक हो जाता है और लगता है सर्विस करवाई भी नहीं है। तो ये ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आफ्टर ऑल दिस स्टेप्स अब हम क्या करेंगे, अब हमने तीनों नट खोल लिए हुए हैं, इंजन ऑयल निकल चुका है। आपको लग रहा होगा इंजन ऑयल खाली हो चुका है, पर ऐसा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी किक मारेंगे इंजन के, अगर अंदर से इसकी रॉड वगैरह घूमेगी तो जो ऑयल ऊपर वगैरह फंसा होगा, तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि जितना ऑयल निकल सके, क्योंकि हमारा इंजन ऑयल चेंज करने का मतलब क्या है कि हम सारा ऑयल निकाल दें। तो हमारी कोशिश रहेगी जितना ऑयल, अगर आपको लगता है ऐसे नहीं निकलता तो निकलता। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप जो मैं कर रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि हेल्पफुल है आपके लिए, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना। तो मैं आपसे आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि आपकी हेल्प हो रही है, और अगर कोई भी पॉइंट है जैसे जो मैंने छोड़ दिया हो, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं जो मैं भी छोड़ सकता हूँ, और ये जो भी मैंने सीखा हुआ है ये मैंने खुद ही वीडियोज़ देख वगैरह देख देख के सीखा हुआ है, तो कोई भी पॉइंट मैंने छोड़ दिया तो आप मुझे ज़रूर बता देना। और ये वीडियो लंबी, इतनी लंबी नहीं है, पर अगर ये लंबी होती है तो मेरा सिंपली एक ही मतलब पॉइंट होगा कि जो वीडियो देखे उसको पूरी तरह, अगर वो करना चाहे, अगर फर्स्ट टाइम भी करे तो वो पूरी तरह अपनी बाइक की सर्विस कर सके। तो ये जो ऑयल फिल्टर वाला है, ये थोड़ा सा मतलब आप अगर एक स्क्रू खोलोगे, तीन स्क्रू हैं तो ये स्प्रिंग की वजह से टाइट हुआ होता है। तो अगर आपको ये खोलना है तो आपको पुश करके, मतलब एक नट थोड़ा लूज़ किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, जैसे कार के टायर को हम टाइट करते हैं ना जब, तो सारों पे प्रेशर बराबर बढ़ना चाहिए, उस हिसाब से इसको खोलना है। एक नट नहीं खोलना है, उसकी वजह से जो एक पॉइंट एक नट के जो टूथ होते हैं ना उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। जब आप इसको खोलेंगे तो बिल्कुल आराम से खोलना। इसके अंदर लास्ट में एक रबर की ट्यूब जैसी होती है वो रहती है, तो देखना आपकी वापस आ जाए।
ये जो इसके ऊपर सिलिकॉन जेल लगी है तो आपने फिर से लगानी है। तो इससे पहले आप इसको अच्छे से साफ़ कर लें बिल्कुल। तो कपड़ा डाल के ये अंदर अच्छे से क्लीन कर लें सारा कुछ, क्योंकि अब नया फिल्टर डालना है फिर से। ये देखो पूरा क्लीन होने के बाद ऐसा दिखेगा, बिल्कुल साफ। सबसे पहले जाएगी ये एक रबर नई वाली, उसके बाद हमारा नया ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर ये पेपर एलिमेंट होता है, ये हर बार चेंज होता है, आप जितनी बार ऑयल चेंज करोगे हर बार चेंज होगा, ठीक है, ये वापस यूज़ नहीं होता है। तो इसके बाद सिंपली हमारी, तो ऑयल फिल्टर लगाने से पहले हमारा सबसे मेन जो काम है वो है जो सील लास्ट में सबसे लगती है। अगर हम यहाँ पर अगर हम इधर ट्रैक चिपकाने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से सेट नहीं होगी, शायद ऑयल भी लीक हो सकता है। तो जो सबसे आसान तरीका है मैं आपको वो बता देता हूँ, हम जो रबर की किट है वो हम इसमें पहले घुसा लेंगे पूरी तरह। तो ये जो सिलिकॉन ट्यूब है और हमारा जो दूसरा रबर है वो जाएगा इसके ऊपर लास्ट में, फिर हम इसको पुश करके बंद कर देंगे। पर जो अभी का काम है हमारा, अभी का काम है जो हमारा, हमने यहाँ पर अच्छे से इसको घुसा लिया। तो हमने ये इसकी जो लेयर है वो हमने इस पे लगा ली। तो जो हमारा लास्ट रबर है वो हमने इसके ऊपर लगा लिया टॉप पे। थोड़ा सा पुश करके, तो इसको पुश करने के बाद आपने डायरेक्ट नट टाइट नहीं करने हैं, आपने तीनों नट हैंड से, जो आपकी हाथ की ताकत होती है इसी से पहले आस्ता आस्ता टाइट करने हैं जितने आप स्क्रू कर सको। उसके बाद आपने अपनी जो टी रॉड है उससे टाइट करने हैं। तो अगर आपको दिख रहा हो तो जब मैं टाइट कर रहा था मैंने ध्यान नहीं दिया, तो अगर आप राइट साइड पे देखो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, तो जो मेरी सिलिकॉन की गैस्केट की ट्यूब थी जिसकी वजह से ऑयल लीक नहीं होता बाहर की तरह, वो थोड़ी सी बाहर आ गई थी। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो मैंने फिर से खोल के, सेम प्रोसीजर है, फिर से खोल के सेम तरीके से टाइट किया। तो आप ये ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी बाहर नहीं आनी चाहिए, अगर आ रही हो तो आपने फिर से टाइट करनी है। तो मेरी बारी थोड़ी सी बाहर आ गई थी तो मैंने टाइट की। तो जो ऑयल चेंज करने के बाद एक सबसे खतरनाक वाली जो प्रॉब्लम है वो ये हो जाती है, जब नीचे से आपने नट खोला था तो कभी कभी नट इसके अंदर ऑयल के अंदर गिर जाता है। तो ये ऑयल आगे आपको दिख रहा है कि नट का तो नामो निशान भी नहीं है, और इसमें फिल्टर भी गिर गया हुआ छोटा वाला। तो वो दोनों निकाल के वॉश करने हैं, पर निकालने वाली समस्या है। तो फाइनली जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, नट निकालने के लिए दूसरे वेसल में डालना पड़ रहा है, और आपको नीचे दिख रहा होगा कितना ज़्यादा पीछे ऑयल फैलाया हुआ है। तो इस वजह से मुझे काफ़ी डांट पड़ने वाली है, और मेरा हर बार का यही है, जब भी मैं ऑयल चेंज करता हूँ, मैंने किया भी हुआ है और मुझे आता भी है, तब भी मुझे हर बार ये सफाई करने में एक्स्ट्रा टाइम जाता है। तो आधे घंटे का काम मुझे एक घंटा लग जाता है सफाई करने में ही। तो इसके बाद तो ये नट और फिल्टर निकलने के बाद मैंने साफ़ करने के बाद इसको पेट्रोल से साफ़ करके वापस फिट किया। तो इसके बाद देरी ना करते हुए नया इंजन ऑयल डालेंगे, और आपको बताता हूँ ऐसे सर्विस सेंटर से कराने से और मेरे करने में क्या फ़र्क आ। करने के बाद हम लोग इंजन ऑयल डालते हैं, तो इसमें डलता है 2.5 लीटर। तो इंजन ऑयल डालने के बाद अब आपको मेन फ़र्क पता लगेगा, अगर आप कंपनी से सर्विस कराते हैं और ख़ुद करते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क आया वो मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी शो करूँगा। ऑयल चले गया अंदर, तो ये रहा जिसे हम ऑयल लेवल चेक करते हैं। तो अगर आपको दिख रहा हो ध्यान से तो आप कलर देखोगे, तो ऑयल का कलर क्या आ रहा है, गोल्डन। तो यही वो की पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर आपने कंपनी से कराया हो आप चेक कर सकते हो, आपको हमेशा ब्लैक कलर दिखेगा। तो ये गोल्डन जब तक मैं बाइक चलाऊंगा, काफ़ी 1000 किलोमीटर तक ये गोल्डन रहेगा मेरे हिसाब से। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट बता देता हूँ, अगर आपको आसानी से याद रखना हो कि आपने सर्विस कब करानी है, मैनुअल वगैरह में भी भूल जाता है, तो मैं जो एक ट्रिक करता हूँ, मैं जो अपनी एक स्लिप लिख लेता हूँ कि मैंने एयर फिल्टर बैटरी इसके बारे में मैंने कब कब क्या क्या किया था, मैंने ये लिखा हुआ सब कुछ। और जो मेरी अगली वीडियो आने वाली है वो आने वाली है कि बैटरी, जैसे जो मेरा 350 है इसमें वो पानी वाली बैटरी है, तो उसकी केयर कैसे की जाए।
और जो ड्राई बैटरी है उसको तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसकी केयर करनी पड़ती है। तो ये वीडियो के बाद मैं ये वीडियो बनाऊंगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।